सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कुछ स्टेप की फोटो एडिटिंग करना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, वो भी सिर्फ लाइटरूम ऐप की सहायता से, तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो व्हाट्सअप गाइस, सिंपली आप लोगों को अपना लाइट रूम ऐप ओपन कर लेना है और इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करके दोस्तों अपनी फ़ोटो को लाइट रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग से जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं उसको दोस्तों लाइट रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोस्तों ये फ़ोटो ऐड कर रखी है। आज हम इस फ़ोटो की एडिटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना और वीडियो को स्टेप बाई स्टेप लास्ट तक देखना। तो इस फोटो की आज एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आप लोगों को लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये लाइट का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना है 20, हाईलाइट्स की वैल्यू को कर लेना है 18 और शेडोज की वैल्यू को कर लेना है 17 और दोस्तों व्हाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे 16 और ब्लैक्स की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे हल्का सा माइनस, इसको कर लेंगे -23 और फिर आप लोगों को सिंपली इसको कर देना है डन। फिर आप लोगों को कलर टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये कलर टूल का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसकी रेड टोन की सेचुएशन की वैल्यू को कर लेंगे 11 और ह्यू की वैल्यू को कर लेंगे -7 और फिर ऑरेंज टोन को सेलेक्ट करेंगे। इससे स्किन टोन सही होती है, इसकी स्किन टोन को सही करेंगे। इसकी सेचुएशन की वैल्यू को कर लेंगे 11 और लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों बढ़ा करके 38। ये देखिए दोस्तों, स्किन टोन ब्राइट हो चुकी है। फिर सिंपली येल्लो टोन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी सेचुएशन की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों -100 और ह्यू की वैल्यू को कर लेंगे -100 और लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों -21। फिर ग्रीन टोन को सेलेक्ट करेंगे, इसकी सेचुएशन की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों -100 और इसकी ह्यू की वैल्यू को भी कर लेंगे -100 और लुमिनेंस की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे -36 और फिर सियान टोन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी सेचुएशन की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे -100 और फिर डार्क ब्लू टोन को सेलेक्ट करेंगे, इसकी भी सेचुएशन की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों -100। ये देखिए दोस्तों, बिफोर फोटो कैसी थी और आफ्टर एडिट होके कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो दोस्तों इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर लेंगे -22 और फिर आप लोगों को ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली कर देना है डन। फिर आप लोगों को वाइब्रेंस की वैल्यू को दोस्तों बढ़ा करके कर लेना है 19 और टिंट की वैल्यू को बहुत हल्का सा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको कर लेंगे 7 और टेम्प की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे -8 और सबसे नीचे सेचुएशन की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे -6 और फिर आप लोगों को सिंपली इसको कर देना है डन। फिर आप लोगों को दोस्तों इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इफेक्ट का ऑप्शन रहा, सिंपली आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों टेक्स्चर की वैल्यू को कर लेना है -17 और क्लियरिटी की वैल्यू को कर लेना है दोस्तों बढ़ा करके 40 और DH की वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे हल्का सा माइनस, इसको कर लेंगे -18 और विग्नेट की दोस्तों वैल्यू को कर लेंगे -76 और मिड पॉइंट की वैल्यू को भी हल्का सा घटाएंगे, इसको कर लेंगे 30 और फीडर की दोस्तों वैल्यू को बढ़ा करके कर देंगे 71 और फिर आप लोगों को सिंपली इसको कर देना है डन। फिर आप लोगों को फेस को स्मूथ करने के लिए और बैकग्राउंड को स्मूथ करने के लिए डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेना है बढ़ा करके 15 और कॉन्ट्रेस्ट की वैल्यू को कर लेंगे 13 और दोस्तों कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर लेंगे 32 और फिर आप लोगों को ऊपर शार्पनिंग की वैल्यू को कर लेना है बहुत हल्का सा बढ़ा के 19 और फिर इसको कर लेना है डन। ये देखिए दोस्तों, हमारी बिफोर फोटो कैसी थी और एडिट होके आफ्टर कैसी हो चुकी है। हमारी फ़ोटो दोस्तों एकदम परफेक्ट रूप से एडिट होके
रेडी हो चुकी है। तो इसको गैलरी के अंदर सेव करने के लिए दोस्तों ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक शेयर टू, एक सेव टू डिवाइस, और फिर गेट लिंक इनवाइट पीपल शेयर टू डिस्कवर। तो आप लोगों को सिंपली सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी के अंदर हो जाएगी सेव। तो ये देखिए दोस्तों हमारी फ़ोटो गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।